नमः शिवाय श्री गुरुदेव चरण कमलेभ्यो नमः श्रीमात्र पितृ चरण कमलेभ्यो नमः वरणानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम चकरतारो वंदे वाणी विनायको। हमारे आराध्य अनंत बलवंत संत केसरी नंदन श्री संकट मोचन हनुमान जी महाराज के युगल युगल चरणारविंद, हिंदी साहित्य के सुषमा सौरभ मर्यादा मंदिर के महंत कलि पावनावतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के युगल युगल चरणारविंद, आइए विचार करें। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अपने रामचरितमानस में बड़ी ही मंगलमय चौपाई की रचना कर रहे हैं और बाबा लिख रहे हैं कि बड़े भाग्य मा नुसतनु पावा असुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बाबा कह रहे हैं कि व्यक्ति जो मनुष्य का जीवन प्राप्त करता है वो बड़ा सौभाग्यशाली है और ये देवताओं को दुर्लभ है। ये मनुष्य का शरीर देवताओं को नहीं प्राप्त हो पाता। जब 84 लाख योनि में जीव भटकने के बाद जब अच्छा कर्म कर लेता है तब जाकर के मनुष्य का शरीर जब परमात्मा की जीव के ऊपर अकारण कृपा हो जाती है तब जाकर के ये शरीर प्राप्त होती है। बाबा कह रहे हैं कि कबहू का करी करू नान रदे ही। तो कभी कदा जब जीव के ऊपर परमात्मा की अकारण कृपा हो जाती है तब ये शरीर प्राप्त होता है। इसी बात को भगवान श्री राम पूरे अयोध्या वासी को बुलाए और बुला करके भगवान श्री राम ने कहा कि देखो भैया, ये जो शरीर मिला है ना, ये बड़े भाग्य के बाद मिला है, तो इसको पाने का सार्थकता क्या है? मनुष्य का शरीर जो मिल गया तो ये सार्थक कैसे होगा? इसके लिए भगवान श्री राम कह रहे हैं कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। राम जी कह रहे हैं कि जैसे हमारे पास यदि बाइक है, कार है, वो साधन है, हमें कहीं जाना होगा तो मैं उस पे बैठ करके हम चले जाएंगे, उसी प्रकार से साधन ये जो मोक्ष के द्वार तक जाने का ये शरीर साधन मिला है, परमात्मा ने हमें साधन दे दिया है और इस शरीर को प्राप्त करने के बाद हमें अपना परम धाम सुधार लेना चाहिए। भगवान श्री राम कह रहे हैं कि साधन धाम अमोक्ष कर द्वारा तो पाई न जे पर लोक सवारा। तो इसको प्राप्त करने के बाद ना जो अपना परम धाम नहीं सवार पाता है, नहीं बना पाता है, तो उसका परिणाम फिर क्या होता है? भगवान श्री राम कह रहे हैं कि सो परत दुख पावही। ये शरीर प्राप्त करने के बाद भी जब आप अपने परम धाम के विषय में कुछ नहीं करेंगे, नहीं सोचेंगे, ये घर मेरा है, परिवार मेरा है, ये करते करते यदि आप अपने जीवन को बिता रहे हैं ना, तो एक दिन वस्तुतः यहाँ जो भी है ना सब परमात्मा का है, यहाँ अपना कुछ नहीं है, जिंदगी एक किराए का घर है, ये जीवन का कोई मतलब नहीं है। ये पाने का सार्थकता तभी है जब हम भगवत भक्ति करें, भगवत भजन करें। क्योंकि एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि घर की सब लोग कहें और पर कौन है वस्तु यहाँ घर की, तो घर की घरनी का त्याग करो आ खोज करो असली घर की, और जिसको तू घरनी कहता ओ घरनी न हुई तुम्हारे तन की,
तोरे मन मूरख सोच जरा, आ यहाँ वस्तु सदा है सियावर की। तो ये मन मूरख सोच जरा, यहाँ वस्तु सदा है सियावर की। यहाँ सारी वस्तुएं जो हैं सब परमात्मा की हैं, यहाँ कुछ अपना नहीं है, लेकिन हम लोग अपना मान करके बैठे हैं। इसी बात को भगवान श्री राम ने कहा, यदि हम अपने परम धाम को सुधारने के विषय में नहीं सोचेंगे ना, तो एक दिन क्या होगा कि सो परत दुख पावही, तो सिर धुनी धुनी पछताए, ओ काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। तो स्थिति क्या बनेगी कि एक दिन जब हमारा परम धाम नहीं सुधरेगा, तो फिर बाद में हम यही कहेंगे कि भगवान ने हमारे साथ ठीक नहीं किया। भगवान राम कह रहे हैं कि जीव यही कहेगा कि काल ही कर्म ही ईश्वर ही। काल को, कर्म को, ईश्वर को हम दोषी मानेंगे कि ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा गलत कर दिया। लेकिन निवेदन करूं, परमात्मा कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, क्योंकि भगवान का तो स्वभाव ही है कृपा करना। भगवान सिर्फ कृपा छोड़ करके कुछ कर ही नहीं सकते। इसलिए हमारे संत कहा करते हैं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। तो एक बार परमात्मा के चरण में व्यक्ति समर्पित हो करके तो देखे, वही स्थिति होगी कि जिमि सागर सरी तामहु याई, अयद्य पिताही ओ कामना नहीं। यदि हम और आप परमात्मा के चरण से जुड़ते हैं ना, तो स्थिति क्या बनेगी, जिस प्रकार से कभी समुद्र नदियों के पास नहीं जाता, नदियां स्वयं चल करके समुद्र के पास जाती हैं, उसी प्रकार से यद्यपि हमारी कोई कामना नहीं रहेगी, लेकिन तेमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए उसे, लेकिन हमारी इच्छा नहीं रहेगी, उसके बाद भी क्या होगा कि तेमी सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, और धर्मशील पही जाए सुहाए। जो व्यक्ति धर्मशील होगा, जो परमात्मा के चरणों में प्रेम करने वाला होगा, उस वो यद्यपि ताही कामना नहीं, यद्यपि उसकी कोई कामना नहीं रहेगी, लेकिन उसके बाद भी परमात्मा उसके सारी जरूरतों को पूरा कर देते हैं। ये मनुष्य का शरीर प्राप्त करने का सार्थकता यही है कि हम परमात्मा के चरण में अपने प्रेम को समर्पित करें, अपने भक्ति को समर्पित करें, नहीं तो ये शरीर पाना फिर सौभाग्यशाली नहीं हो जाएगा, बल्कि ये शरीर पाना क्या हो जाएगा कि छिति जल पावक ओ गगन समीरा, तो पंचरचित यह अधम शरीरा। तो यदि हम इस शरीर से यदि परमात्मा की भक्ति नहीं करते हैं, तो फिर ये पांच रत्नों से बनी हुई, पंच तत्व से ये बना हुआ हमारा शरीर फिर सौभाग्यशाली नहीं, फिर हमारा शरीर क्या हो जाएगा कि क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंचरचित यह अधम शरीरा। इसलिए समय निकाल कर के परमात्मा की भक्ति करें, बड़ा ही आनंद आता है, बड़ा सुख मिलता है। बोलिए श्री बलराम चंद्र भगवान की जय।